हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे हिंदी हेल्थ चैनल आरोग्यम में। हमारे चैनल की लेटेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और आयुर्वेदिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आज हम बात करेंगे साइनस की और इससे जुड़े घरेलू उपचार और कुछ सावधानियां जो आपको साइनस में बरतनी चाहिए। इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने साइनस की समस्या को ठीक या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से सिर में दर्द और कफ से परेशान हैं, तो आप साइनस संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि साइनस होता क्या है, इससे जुड़ी सावधानियां, घरेलू उपचार और वीडियो के लास्ट में बताएंगे एक ऐसा आयुर्वेदिक तरीका जो उन लोगों के लिए रामबाण का काम करेगा जो लंबे समय से साइनस की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे नाक, दिमाग और आंखों के अंदरूनी भाग में बची थोड़ी खोखली जगह को साइनस कहते हैं। साइनस के रास्ते में रुकावट होने पर बलगम निकलने में परेशानी होती है, जिसे सिनोसाइटिस कहते हैं। धूल, पोल्यूशन और बदलता मौसम साइनस के मुख्य कारण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो धूल और पोल्यूशन से बचने के लिए आप अपने घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके घर का अंदरूनी वातावरण साफ बना रहेगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आप बाहरी प्रदूषण से बच सके। पानी की कमी भी साइनस को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए आप अधिक से अधिक पानी पिए, सिगरेट, शराब और आर्टिफिशियल शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें। साइनस के संक्रमण में सेब का सिरका बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए आप गर्म पानी और सेब के सिरके को बराबर मात्रा में मिलाएं और इससे भाप लें। इसे लेने से साइनस का इन्फेक्शन ठीक होता है। साइनस के इन्फेक्शन को दूर करने का एक और अच्छा उपाय है नमक का पानी। आप पानी में नमक को अच्छे से मिलाएं और हाथ में लेकर अपनी नाक से अंदर खींचें और फिर नाक को साफ करें। नमक नाक से साइनस के इन्फेक्शन को कम करता है। अगले जो तीन उपचार हैं, उन्हें आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इनमें सबसे पहला है विटामिन सी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, आप चाहे तो अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं। अमरूद में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। अगली चीज जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है कोड लिवर ऑयल। अगर आपको कोई खास शारीरिक समस्या नहीं है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इन कैप्सूल्स को ले सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए, डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और साइनस को ठीक करेगा। विटामिन सी और कॉड लिवर ऑयल के साथ आप अजवाइन का तेल भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अजवाइन और अजवाइन का तेल साइनस के बैक्टीरिया को मारने में बेहद असरदार है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, अगर आपको साइनस की समस्या काफी लंबे समय से है और आप इसका काफी उपचार करा चुके हैं, तो एक बार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके नस्यम भी करा सकते हैं। नस्यम साइनस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडीज आप सभी को अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस जानकारी को पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरोग्यम आपके निरोगी जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।